कोटा से खबर, जहां अखिलेश यादव पहुंचे हैं गढ़ी चौकड़ी। चौधरी रघुवीर सिंह प्रधान की प्रतिमा का अनावरण किया है। कार्यकर्ताओं से संवाद भी अखिलेश यादव करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार नोएडा पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अखिलेश यादव गढ़ी चौकड़ी पहुंचे हैं, चौधरी रघुवीर सिंह प्रधान की प्रतिमा का अनावरण किया है। कार्यकर्ताओं से संवाद भी अखिलेश यादव अब करेंगे। आपको बता दें, 2022 विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार अखिलेश यादव नोएडा पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव नोएडा पहुंचे हैं, चौधरी रघुवीर सिंह प्रधान की प्रतिमा का अनावरण भी किया है, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से वहां संवाद भी करेंगे। इससे पहले विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार पहुंचे हैं अखिलेश यादव नोएडा, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। कार्यकर्ताओं से आज वो संवाद भी करेंगे। ग्राम गढ़ी चौकड़ी अखिलेश यादव पहुंचे हैं। तो नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव गढ़ी चौकड़ी पहुंचे हैं, चौधरी रघुवीर सिंह प्रधान की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया है। इसके बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जरूर अखिलेश यादव पहुंचे थे। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव जब नोएडा पहुंचे, गढ़ी चौकड़ी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप अखिलेश यादव को देख सकते हैं, साथ ही साथ वहां आसपास बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं, जो कि अपने कैमरे में अखिलेश यादव की तस्वीरें खींच रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें नोएडा से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मंच पर साथ में मौजूद है, नारेबाजी वहां पर हो रही है। नोएडा का दौरा है अखिलेश यादव का, चौधरी रघुवीर सिंह की प्रतिमा का अनावरण अखिलेश यादव ने किया है। विधानसभा चुनाव के दौरान जरूर अखिलेश यादव नोएडा पहुंचे थे, लेकिन परिणाम आने के बाद ये पहली बार अखिलेश यादव फ्रेम ऑन दौरा है। तो रघुवीर सिंह प्रधान की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मंच पर मौजूद है। अखिलेश यादव मंच पर बैठे हुए हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चौधरी रघुवीर सिंह की प्रतिमा का अनावरण अखिलेश यादव ने किया है। कार्यकर्ताओं से भी अब यहां से अखिलेश यादव संवाद करेंगे। ग्राम गढ़ी चौकड़ी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव मंच पर बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ आम लोग भी वहां मौजूद हैं, जो कि अभी तस्वीरें खींचते हुए अखिलेश यादव की नजर आ रहे थे। 2022 चुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव का ये नोएडा का पहला दौरा है। और सनोज हमारे संवाददाता पूरी जानकारी देंगे, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनोज, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, अखिलेश यादव की प्रतिमा का अनावरण कर चुके हैं, अब उनका कार्यकर्ताओं से संवाद का भी कार्यक्रम है, क्या जानकारी पूरी? देखिए अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश यादव यहाँ पहुंच गए हैं और देखिए अखिलेश यादव मंच पर हैं। चूंकि जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं भरत यादव, उनके पिता हैं चौधरी रघुवीर सिंह प्रधान, उनकी जो प्रतिमा है उसका यहाँ पर अखिलेश यादव ने अनावरण किया है। देखिए अखिलेश यादव यहाँ मंच पर पहुंच गए हैं और देखिए दूसरी तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से उनके जो समर्थक हैं उनमें भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। ये देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सुबह से इंतजार कर रहे थे अखिलेश यादव को देखने का, अखिलेश यादव को सुनने का। और अखिलेश यादव का यहाँ जब से कार्यकर्ताओं को पता लगा कि अखिलेश यादव नोएडा आ रहे हैं, यहाँ पर वो एक मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें भारी उत्साह देखने को मिला है। यहाँ व्यवस्थाएं संभालने में भी थोड़ी दिक्कत जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी को नजर आ रही है, चूंकि कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है और वो मंच पर चढ़ने के लिए, देखिए कि सिक्योरिटी को किस तरीके से यहाँ पर जो परेशानियां वो उठानी पड़ रही है और यहाँ कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर दूसरी तरफ भेजा जा रहा है। अब इन लोगों को इंतजार है कि अखिलेश यादव आखिर यहाँ मंच से क्या बोलेंगे, चूंकि अखिलेश यादव जब भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं आते हैं आपने देखा जिस तरीके से बीजेपी मिशन 2024 को लेकर पूरी तरीके से घेराबंदी कर रही है, एक चक्रव्यूह रच रही है, तो उसी तर्ज पर अखिलेश यादव भी यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक तरीके से दौरे पर है। आज यह नोएडा में जो मूर्ति है रघुवीर सिंह प्रधान की, उसकी मूर्ति का अनावरण कर दिया है और उसके बाद यहाँ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसके बाद वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और जो नोएडा से
से यहाँ पर जो नोएडा से विधानसभा सीट पर जो प्रत्याशी थे सुनील चौधरी, उनके आवास पर यह बैठक रखी गई है। उस बैठक में मंथन होगा, मिशन 2024 को लेकर मंथन होगा, क्या ऐसी रणनीति बनाए, क्या तमाम ऐसी चीजें हो, किस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में साइकिल नल के सहारे यानी गठबंधन है जिस तरीके से, तो किस तरीके से विजय रथ उनका जो अभी तक लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है उसको जीत में कैसे बदला जाए, ये मंत्र भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि देखिए नोएडा में तीन विधानसभा सीटें आती हैं, नोएडा, दादरी और जेवर, और तीनों विधानसभा सीटों पर देखा कि किस तरीके से जो पार्टी के प्रत्याशी थे उनको बीजेपी से हार का मुंह देखना पड़ा था। तो अब क्या रणनीति अखिलेश यादव बदलेंगे, क्या नई चीजें होंगी, एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा, सत्येंद्र जरा दिखाएं, देखिए अखिलेश यादव मंच पर मौजूद है, तमाम जो कार्यकर्ता है, जो तमाम और नेता है उनसे यहाँ पर देखिए जो गुफ्तगू है वो यहाँ पर चल रही है। अखिलेश यादव देखिए तमाम नेताओं के साथ यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ गुफ्तगू चल रही है, बस इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि अखिलेश यादव कब मंच पर पहुंचेंगे, क्या ऐसा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से यहाँ पर नोएडा में करारी हार मिली तो उसके बाद कई कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया था, तो अब ऐसा अखिलेश यादव क्या करेंगे कि जो पुराने कार्यकर्ता है उनको भी किसी तरीके से वापस ला दिया जाए, और किस तरीके से मिशन 2024 को, क्योंकि बीजेपी आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, अभी सहारनपुर का मंडल का उन्होंने दौरा किया था, उसके बाद मेरठ मंडल के दौरे पर है, पूर्वांचल में भी कई मंडल का वो दौरा कर चुके हैं, तो बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड पर नजर आ रही है मिशन 2024 को लेकर, और उसी तर्ज पर अब अखिलेश यादव का ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का पहला दौरा है यहाँ पर जब वो नोएडा पहुंचे हैं, तो देखिए यहाँ अखिलेश यादव बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सनोज, नजर इसी बात पर है कि आज अखिलेश यादव आखिर क्या अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं, क्योंकि एक बैठक भी होनी है, रथ यात्रा उनकी चुनावों के वक्त में गौतम बुद्ध नगर पहुंची थी, तीन सीटों पर करारी हार हुई, लेकिन उसके बाद जब अब परिणामों के बाद अखिलेश यादव पहुंचे तो क्या कुछ कहते हैं, इस पर हर किसी की नजर। बहुत बहुत शुक्रिया सनोज पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।